तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका रोस्टर मान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जैसा आप सभी को पता है कि भाई अब मैं आज मैं इस वीडियो को इसलिए लेकर आया हूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि WWE के आने वाले मेन इवेंट पे वेक में किन किन का रेसलर का किस किस से मैच होगा, तो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा आप सभी को पता है कि भाई चैनल पर सभी आते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं आते हैं। आप सभी को बता दूँ कि सबसे पहला मैच होने वाला है शिंसुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जिसमें भाई शिंसुके नाकामुरा भाई हारने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भाई सेथ रॉलिंस अभी तो चैंपियन बने हैं, कई सालों बाद तो इनको अब पुश मिला है, उसके बाद भी इनको हरा देंगे WWE वाले, तो ये बात बहुत गलत रहेगा इनके साथ करवाने से। और आपको बता दूँ कि आने वाले ऐसे दो मेन इवेंटों में भी ये नहीं हारने वाले हैं अपनी बेल्ट को। क्योंकि आप सभी को बता दूँ कि इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस का मैच करवाने वाले हैं WWE वाली सर्वाइवर सीरीज़ में रोमन रेंस के साथ। क्योंकि इन दोनों का फ्यूड आप सभी को पता है कि पिछले दस सालों से चल रहा है, तो भाई इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। और शिंसुके नाकामुरा इस मैच में हार जाएंगे आसानी से और सेथ रॉलिंस विन कर देंगे। उसके बाद रकेल रोड्रिगल का मैच होगा रिया रिपली से। रिया रिपली तो आपको पता होगा कि बार बार पर इंजर्ड कर रही हैं रकेल रोड्रिगल्स को, इस टाइम भी रकेल रोड्रिगल इंजर्ड हैं, पर WWE में जल्दी जल्दी अपनी वापस करके ये रकेल रोड्रिगल्स रिया रिपली से अपना पेबैक में मेन इवेंट के लिए तौर पर फिक्स करा सकती हैं अपना मैच। पर आपको बता दें कि भाई रिया रिपली अभी रेसलमेनिया 40 से पहले हारने वाली वाली हैं, तो इस मैच में भाई रकेल ही हारेंगी और रकेल को भाई पुश नहीं दिया जा रहा है रिया रिपली के बराबर, आप सभी को बता दूं। तो उसके बाद अपना मिज का मैच होने वाला है एन एल एंट के साथ। क्योंकि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो भाई मिज वो बंदा है जो अभी पूरी 2023 में अब पहली बार एक मैच जीता है, उसके बाद भाई ये इसने एक भी मैच नहीं जीता है मिज ने। और एल एन एंट के लिए मुझे ये बुरा लग रहा है, क्योंकि एल एन एंट को भाई इतना पुश दिया जा रहा है, तो भाई किसी अच्छे रेसलर के साथ इसका मैच किया जाए, ना कि ऐसे छोटे मोटे रेसलर के साथ। हाँ था कभी अभी मिज पहले नंबर पर आता था, तो अब नहीं है, पर एल एन एंट ही इस मैच में विन करने वाले हैं। और एल एन एंट विन कर जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा कमेंट करके सभी के साथ शेयर करना। उसके बाद अपना मैच होने वाला क्रिस स्टेटिज और बेगी लेंच का। आप सभी को पता होगा मंडे नाइट रॉ पर इन दोनों का मैच रद्द कर दिया था डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से, तो इन दोनों का मैच भाई फिक्स हो सकता है पेबैक में, और इन दोनों की मैच देखने को लिए मिल सकता है आपको पेबैक के अंदर। तो इन दोनों का मैच हुआ तो भाई आप किसको सपोर्ट करोगे, बिगी लेंच को या क्रिस स्टेटिज को, कमेंट करके सभी साथ शेयर करें। और उसके बाद ये मैच हो जाएगा तो उसके बाद इन दोनों को छुट्टी लेके भी जा सकते हैं, और ये मैच में भाई कौन विन करेगा ये हम आपको बता सकते हैं। इस मैच में भाई बिगी लेंच विन करेंगी और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद बता देंगे भाई फैलन वेलर का भी मैच फिक्स हो सकता है कोडी रोड्स के बाद, क्योंकि आप सभी को पता होगा सेथ रॉलिंस किसी और दूसरे अपोनेंट्स के साथ बिजी हैं, तो भाई फिन वेलर को चौथी बार बकरा बनाया जा रहा है। बेचारे फिन वेलर की तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी है WWE वाले ने, पता नहीं कैसा बुक कर रहे हैं। हाँ मैच तो उसको मिल रहे हैं पर भाई ऐसा उस प्रकार का मैच नहीं मिल रहा है कि उसको कोई टाइटल मिले। पहले भाई रेसलमेनिया में एज से हरवाया, उसके बाद भाई मनी द बैंक में और समरस्लैम में सेथ रॉलिंस से हरवाया, अब उसके बाद अब कोडी रोड से हरवाएंगे। उसके बाद बात करेंगे एज के मैच के बारे में। एज का भाई आप सभी को पता होगा स्मैकडाउन पे भाई मैच होने वाला है इन दोनों का, और मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि भाई इनका मैच पे बैक में होना चाहिए था, पर इनका पता नहीं WWE वाले क्या कर रहे हैं। बताओ ये रूमर्स सुनने में आ रहे हैं कि एज का ये लास्ट मैच होने वाला है स्मैकडाउन पर, पता नहीं इनका रिटायरमेंट कैसा करवा रहे हैं WWE वाले, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ब्लड लाइन को इतना सपोर्ट दे रहे हैं, बाकी सभी किसी रेसलर के पास भाई इतना वो नहीं है कि WWE वाले सपोर्ट करें किसी रेसलर को। बेचारा वो रिटायर होने जा रहा है, उसके लिए भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद भाई अपने बात करते हैं रेम स्टीरो के बारे में। रेम स्टीरो के भाई जो चेला था, चेला हिल्टन ले सकता है और रेम स्टीरो का अटैक कर सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ऑस्टन थ्योरी थे ये अपॉर्चुनिटी उसके चेले की थी, ना कि रेम स्टीरो की। तो रेम स्टीरो पर भाई अटैक कर सकते हैं वो आने वाले कुछ दिनों में, और ये दोनों हिल्टन हो सकते हैं। हिल्टन होने के बाद इन दोनों का मैच फिक्स हो जाएगा। उसके बाद बात करें अपने ब्लड लाइन के, तो ब्लड लाइन और जेउसो का भाई मैच कराने में भाई बहुत मजा आएगा WWE में ये मैच देखने के लिए, क्योंकि अगर WWE को मोटा पैसा छापना है तो इसमें से ब्लड लाइन में से एक ना एक मेंबर का मैच कराना पड़ेगा। तो इस मैच के भी भाई बहुत चांस ऐसे हैं, क्योंकि भाई अगर ये मैच हुआ तो मज़ा आ जाएगा। और इस मैच में भाई कोई इंटरफियर कर सकता है और डिस्क्वालिफिकेशन से इस मैच को हटवा सकता है, क्योंकि ये रेसलमेनिया लेवल का मैच है। और इस मैच में भाई दोनों के 50-50% चांस है जीतने के। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस दोनों का मैच हुआ तो, कमेंट करके सभी साथ शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको कौन सा मैच अच्छा लगा कमेंट करके सभी साथ शेयर करें। धन्यवाद।